तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, और मैं आपका स्वागत करता हूं इस मेरे चैनल में जिसका नाम है फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। इस चैनल के जरिए हम डिस्कस करेंगे ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जिसका इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका असर बहुत बड़े तरीके से अपने ऊपर और अपनी जिंदगी के ऊपर हमेशा होते रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि फिलहाल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कोरोना का बहुत बड़ा संकट अपने लाइफ में आया है और जिसने अपनी पूरी जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर जिसका मेन अपना टाइटल है या फिर टॉपिक है प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान जानने के बावजूद हम इसका इस्तेमाल कम नहीं कर पा रहे हैं। प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है और जो कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत डेंजरस है। 1950 में जब पॉपुलेशन 2.5 बिलियन थी, तब 1.5 मिलियन टन प्लास्टिक एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता था, जो कि 2016 में 320 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होने लगा, और अगर हम इसी रेट से चलते रहे तो जल्द ही 2034 तक ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, और जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इंडिया में हर रोज 26,000 टन प्लास्टिक कचरा प्रोड्यूस हो रहा है और एक प्लास्टिक बैग डिकम्पोज होने के लिए 1,000 साल लगते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल। और इसीलिए हमारे गवर्नर ऑफ इंडिया ने कुछ कानून बनाए, लेकिन अफसोस हमारे यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता इसको। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने 2001 से ही इस प्लास्टिक के प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश चालू कर दी थी, जिनका नाम है डॉक्टर राजगोपालम वासुदेव, जो तमिलनाडु के मदुरई सिटी से है और जो वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डीन और प्रोफेसर है, और जिनको प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जनरली 1 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए लगता है 10 टन ऑफ बिटुमेन, और जिसकी वजह से उसके बनाने की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसी जगह पे वासुदेव सर जी के अनुसार उन्होंने 9 टन ऑफ बिटुमेन और 1 टन ऑफ प्लास्टिक यूज किया है, और जिससे बनती है एक नई प्लास्टिक की सड़क, और 1 टन ऑफ प्लास्टिक यानी कि 10 लाख कैरी बैग। दोस्तों, ये प्लास्टिक रोड बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इस रोड में जो छोटे पत्थर यूज कर जाते हैं उनको सबसे पहले 170 डिग्री सेल्सियस पे ग्रहित किया जाता है, और उसमें वेस्ट प्लास्टिक शेड किया जाता है जो 30 सेकंड में ही इस पत्थरों के साथ पिघल के जुड़ जाता है और बनता है एक अच्छा मिक्सचर। उसके बाद इस मिक्सचर में डाला जाता है ब्यूटीमाइन जो पहले से 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहता है, और इस तरह बनता है एक ऐसा मिक्सचर जो प्लास्टिक रोड बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। दोस्तों, इस प्लास्टिक रोड के फायदे भी बहुत सारे हैं। यह रोड ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल का लोड भी झेल सकती है, ये रोड 2 साल तक मेंटेनेंस फ्री है, और वेस्ट प्लास्टिक डिस्पोज करने का सबसे आसान और उम्दा तरीका है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम रोड पे जनरली हम देखा जाता है कि पानी का रिसाव होने के कारण बहुत सारे पॉट होल दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम इस रास्ते पे आते नहीं, क्योंकि पानी का रिसाव इस रास्ते के ऊपर होता नहीं है, और इसके वजह से पॉट होल होने की संभावना इस रेल नहीं है। वासुदेवन जी ने 2006 में ही अपने इस इन्वेंशन को अपने यूनिवर्सिटी के नाम से पेटेंट कर दिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। आज तक इंडिया में 11 स्टेट में 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कें उनके सुपरविजन में रेडी हो चुकी है, और उसके उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्मश्री अवार्ड दे के सम्मानित किया है। प्लास्टिक रोड एक ऐसा इन्वेंशन है जो चेंज कर देगा पृथ्वी का भविष्य और खत्म कर देगी प्लास्टिक डिस्पोजल की प्रॉब्लम। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी इसमें अपना सहयोग जरूर दें। इसी के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम प्लास्टिक को रीयूज और रिसाइकल करके प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक से बनने वाले पौधों के गमले, पेवर टाइल्स, ब्रिक्स, होम डेकोर आइटम्स
और बहुत सारी चीजें जिससे हम हर एक अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें जरूर दे सकें। आई होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।